ये ऐसे पीसीज इनके ड्राइंग अलग बैठकर का पेपर पर तैयार की थी, और ये और ऐसे इन पर ये थे देख सकते एक एंगल पर उन्हें मैंने फाइल कर दिया ताकि वो जब ऐसे लॉक हो जाए। ये पीस आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से भी फाइल किया उसी एंगल पर, यहाँ पर उतना ही फाइल कर दिया ताकि जितने एंगल पर ये खुलेगी ना उतनी एंगल पर वो दूसरी साइड भी खुलेगी। और ये पीसीज दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही बनाए गए हैं, लेकिन इस पीस को आप देख सकते हैं इसके इक्वल बराबर का रखा गया। इसको यहाँ से इसको वैसे इससे बड़ा बनाया, इससे इसके थोड़ा सा छोटा बनाया था, लेकिन बाद में इसे यहाँ से फाइल करके और सैंड करके इसके इक्वल कर दिया। और ये हमारा ये अभी बुक भी तकरीबन तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसको बस दो स्क्रू और लगने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो स्क्रू लगा है, इसमें इसके इस वुड पीस में और इस वुड के पीस में जो स्क्रू लगे हैं वो दोनों को फिक्स करके रखता है, लेकिन जो यहाँ पर स्क्रू लगे हैं इसे जो इसे मूव कराता है वो कोई डिफरेंट मैकेनिज्म नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अंदर जो होल है ना उसे मैंने स्क्रू के डायमीटर से बड़ा कर दिया, उसको एक बड़ा एक और ड्रिल बिट लाकर उसको डायमीटर से बड़ा कर दिया जिसके अंदर वो स्क्रू फ्रीली मूव कर सके। और फिर वो ये देखें आप, ये देखें स्क्रू इस पेज के बुक के पेज के साथ ही जुड़ा हुआ है, और देखें वो इसके अंदर इस पीस के अंदर वो फुली मूव कर पा रहा है। एक और चीज़ मैंने किया है कि एक और चीज़ थोड़ी सी की कि यहाँ पर सुराख कर लिए हैं, फिर बाद में मैंने स्क्रूज लगाए हैं, और यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा और बड़े ड्रिल बिट के साथ मैंने स्क्रू किया ताकि उनके अंदर ये हेड फिट हो जाए और ये स्मूथ हो जाए, जैसे वो स्टैंड के नीचे मैंने इस्तेमाल किया। अब ये देखें